हे गाइस, वेलकम टू एमकेएच। आई एम स्नेहा सिंगाटिया और आज इस वीडियो के अंदर हम हमारा जो बीएड सेकंड ईयर का फोर्थ पेपर है अधिगम हेतु आंकलन, उसका जो है यूनिट फोर करने वाले हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, सिर्फ तीन या दो यूनिट्स अगर हम करके जाएं तो हम अच्छे मार्क्स जो है अच्छा स्कोर हम अपने एग्ज़ाम के अंदर कर सकते हैं। तो मैंने तीन ही लेक्चर्स जो है बनाए हैं, यानी तीन ही यूनिट्स के लेक्चर्स बनाए हैं। जो भी यूनिट्स हैं हमारी, आप उनमें से सेलेक्ट करके पढ़ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तीन यूनिट्स अगर आप करके जाते हैं तो बढ़िया तरीके से आप एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और हमें लास्ट टाइम के अंदर बिल्कुल ऐसा कंटेंट चाहिए होता है जिसके अंदर हम बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल कम टाइम में पढ़ करके और शब्दों का चयन हमारे लिए इस तरीके का हो जाए कि जब हम एग्जाम में लिख रहे हो तो शब्दों की हमें कोई कमी नहीं रहे और बिल्कुल शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड के अंदर हमारी तैयारी हो जाए। तो चलिए, उसका सबसे बेहतरीन तरीका है एमकेएच से आप इस तरह की जो है तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट फोर्थ अधिगम हेतु आंकलन। इसके लिए सबसे पहले हम अति लघुतरात्मक प्रश्न उठाते हैं, एक एक करके एक एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे। आपको करना सिंपल ये है कि आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक बार अगर आप ईयरफोन्स लगा करके बिना लिखे सो करके कैसे भी आप इस वीडियो को पूरा देख जाइए, एग्ज़ाम में आप लिखने लायक हो जाएंगे, यानी कि आपको शब्दों की कोई कमी एग्ज़ाम के अंदर नहीं रहेगी। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर एक। प्रश्न है हमारा सतत शिक्षा। चलिए इसका साइज़ हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, प्रश्न हमारा क्या है कि सतत शिक्षा या अनवरत शिक्षा किसे कहते हैं। सतत शिक्षा या अनवरत, अनवरत यानी कि जो लगातार चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सतत शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जिसमें क्या हो, निरंतरता हो। पहला पॉइंट क्या होनी चाहिए उसमें, निरंतरता हो और जीवन पर्यंत शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति और क्षमता से हो, यानी शिक्षा लगातार चले, साथ में शिक्षा ग्रहण करने की शक्ति और क्षमता रहनी चाहिए जीवन पर्यंत, यानी कि मृत्यु तक, जीवन पर्यंत, जीवन भर शिक्षा को ग्रहण करने की शक्ति और क्षमता अगर होती है तो उसे हम सतत शिक्षा या अनवरत शिक्षा कहते हैं। इस प्रकार की शिक्षा में आयु सीमा का कोई निर्धारण नहीं है और न ही ज्ञानार्जन की कोई सीमा है। ऐसा नहीं है कि आप स्कूल एज में स्टडी कर पाएंगे। सतत शिक्षा का मतलब है कि लाइफ टाइम सीखना है। ऐसे लोग जो विधिवत शिक्षा को पूरा करना चाहते हैं और जिन्हें अवसर न मिल पाने के पूर्व ही विद्यालय छोड़ना पड़ा हो, ऐसे व्यक्तियों को शिक्षा पूर्ण करने योग्य घोषित करना और सक्षम बनाना ही क्या है, सतत शिक्षा का मूल उद्देश्य है। यानी कि ऐसे लोग, सतत शिक्षा का मतलब यह है कि ऐसे लोग जिन्होंने अपने स्कूल एज के अंदर, अपने स्कूल टाइम के अंदर शिक्षा जो कंप्लीट नहीं कर पाए, वो आज जो है अपनी शिक्षा को पूरा कर पाए, ये जो है सतत शिक्षा का मूल उद्देश्य है। अब हम अगला प्रश्न उठाते हैं। अगला प्रश्न क्या है जी, अगला प्रश्न है हमारा कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रमुख आधारों को समझाइए। यानी जो मूल्यांकन हम करते हैं, CCE जो होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन, यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका आधार क्या है। तो चलिए, इसका पहला आधार है लिखित परीक्षा। लिखित परीक्षा में निबंधात्मक, लघु उत्तरीय और वस्तुगत प्रश्न प्रकार के प्रश्न शामिल होते हैं। दूसरा आधार हो सकता है बौद्धिक या वाचिक परीक्षण, ओरल टेस्ट जिसको कहते हैं। तो वाचिक या जबानी परीक्षणों द्वारा उन कौशलों का परीक्षण किया जाता है जो लिखित प्रश्नों द्वारा नहीं हो सकते हैं। इन प्रशिक्षणों में या इन परीक्षणों में प्रदत्तों को पढ़ने में गति और शुद्धता और मानसिक गणना कर उनकी व्याख्या, भाषा की समझ आदि सम्मिलित होते हैं। देखिए, जो याद करने वाली चीज़ें हैं या जो सॉल्व करने वाली चीज़ें हैं वो तो हम लिखित प्रश्नों में कर देंगे, लेकिन जहाँ पर हमारी भाषा की योग्यता हो, गति हो, जो पढ़ने की गति है या शुद्धता की बात करें तो वो सिर्फ ओरल टेस्ट से मापी जा सकती है। तो इसके दो आधार हैं हमारे, एक तो रिटन टेस्ट और एक ओरल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेडिंग प्रणाली किसे कहते हैं। तो ग्रेडिंग प्रणाली यानी ग्रेडिंग सिस्टम, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ग्रेडिंग प्रणाली में विद्यार्थियों को उनकी शैक्षिक उपलब्धि से संबंधित मूल्यांकन परिणामों को व्यक्त करने के लिए उन्हें पास, फेल घोषित करने या पूर्णांकों में से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं ऐसा बताने की अपेक्षा, यानी कि ना तो उन्हें पास घोषित करना है, ना उन्हें फेल घोषित करना है, ना ही उन्हें पूर्णांक में नंबर देने हैं, कितने प्रतिशत नंबर हैं, ऐसे सटीक नंबर नहीं देने हैं, बल्कि उन्हें ग्रेड प्रदान करनी है, जैसे ABCDE या OABCD इत्यादि प्रदान किए जाते हैं। और इस प्रणाली को परंपरागत डिवीज़न तथा प्रतिशत अंक प्रणाली से अच्छा माना जाता है। इसलिए आप आज देख रहे होंगे जो 8th का एग्ज़ाम होता है या जो 5th क्लासेस, छोटी क्लासेस होती हैं, इनके अंदर एग्जैक्ट मार्क्स ना दे करके ग्रेडिंग सिस्टम वहाँ पर चलाया जाता है, क्योंकि इससे नॉर्मल जो हमारी अंक प्रतिशत प्रणाली है या जो डिवीज़न प्रणाली है, यानी फर्स्ट डिवीज़न, सेकेंड डिवीज़न, तो उन दोनों प्रणालियों से बेहतर ग्रेडिंग प्रणाली को माना जाता है। अब चलिए उठाते हैं हमारा अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, एक बालक की योग्यता और क्षमता सीखने को कैसे प्रभावित करती है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये कि एक बालक की योग्यता एवं क्षमता सीखने को कैसे प्रभावित करती है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बालक की योग्यता और क्षमता से तात्पर्य बुद्धि और परिपक्वता से है। बुद्धि जन्मजात होती है, बालक के विकास के साथ साथ उनमें बुद्धि का विकास होता जाता है। परिपक्वता का संबंध बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से होता है। अतः बालक के सीखने की योग्यता, रुचि, बुद्धि लब्धि का स्तर, मनोदशा, लगन और उत्साह तथा शारीरिक परिपक्वता का प्रभाव उसके सीखने की अवस्था को निश्चित करता है। यानी कि ये सब चीज़ें, अगर ये सब चीज़ें अच्छी होगी तभी तो बालक सीख पाएगा। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने सीखने वाले के अध्ययन के आधार पर सीखने की क्रिया और विधि को निश्चित करने का प्रयास किया है। यानी कि जिसे सीखना है उससे उसकी स्टडी की जानी चाहिए और उसके अनुसार हमें जो है सिस्टम हमारा सेट करना चाहिए। परिणामतः शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यचर्या का निर्माण बालक के आधार पर किया जाता है। यानी कि यहाँ पर हमें बालक को सेंटर में रखना जरूरी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति का अर्थ लिखिए, मीनिंग ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, एटीट्यूड शब्द आपने नॉर्मली सुना होगा। अभिवृत्ति जो है वो व्यक्ति के मनोभावों एवं विश्वासों को इंगित करती है। यानी वो कैसा फील करता है, वो कैसा महसूस करता है, कैसी उसकी फीलिंग है, ये बताती है कि व्यक्ति का क्या महसूस करता है अथवा उसके पूर्ण विश्वास क्या है। अभिव्यक्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है, माफ़ कीजिएगा, अभिव्यक्ति से अभिप्राय व्यक्ति के उस दृष्टिकोण से है जिसके कारण वह किन्हीं वस्तुओं, व्यक्तियों, संस्थाओं, परिस्थितियों, योजनाओं आदि के प्रति किसी विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। यानी कि अगर आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए जाते हैं, आपके साथ वो कैसा व्यवहार करेगा वहीं तो उस व्यक्ति का एटीट्यूड है, ठीक है। तो किसी के भी प्रति वो किस तरह का विशेष व्यवहार करता है वहीं उसका एटीट्यूड होता है, यानी वहीं उसकी अभिवृत्ति होती है। दूसरे शब्दों में अभिवृत्ति व्यक्ति के व्यक्तित्व के वे प्रवृत्तियां हैं जो उसे किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के संबंध में किसी विशेष प्रकार के व्यवहार को प्रदर्शित करने का निर्णय लेने को प्रेरित करती है। और हर एक व्यक्ति का अपना अपना एटीट्यूड होता है जो उसे डिसाइड करवाता है कि उसे व्यवहार कैसा करना है। अगला प्रश्न देखिए, अभिवृत्ति पर एक क्वेश्चन डैम शोर आना है, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और आप ये ध्यान रखें कि अगर आप अति लघुतरात्मक प्रश्न पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 अति लघुतरात्मक प्रश्न मिलकर के लघुतरात्मक प्रश्न भी बना सकते हैं और लघुतरात्मक 2-3 क्वेश्चन मिलकर निबंधात्मक प्रश्न भी बना सकते हैं। तो छोटा क्वेश्चन भी आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। चलिए, अभिवृत्ति की 3 परिभाषाएं निम्न प्रकार से है। थर्स्टन एवं चैव के अनुसार परिभाषाएं आपको याद करनी होती हैं। थोड़ा सा हिंट लेकर के या थोड़ी सी आप ट्रिक लगा करके इनको याद कर सकते हैं। अभिवृत्ति किसी विशिष्ट प्रकरण के प्रति, विशिष्ट प्रकरण आ जाए, यानी प्रकरण किससे संबंधित है जी, थर्स्टन और चैव। तो किसी विशिष्ट प्रकरण के प्रति व्यक्ति की परिवर्तियों, भावनाओं, पूर्वाग्रहों अथवा पक्षपातों, पूर्व निर्मित अभिप्रायों, विचारों, भय, दबावों तथा मान्यताओं का कुल योग होता है कौन, अभिवृत्ति। यानी किसी विशिष्ट प्रकरण में वो कैसा व्यवहार करता है। रेमर्स, गेज और रुमेल के शब्दों में देखें तो अभिवृत्ति किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक शब्द आपको हाईलाइट करना है, मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति। यहाँ पर कोई विशिष्ट प्रकरण के प्रति है तब तो आ जाएगा थर्स्टन और चैव, मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति है तो रेमर्स, गेज और रुमेल। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी शॉर्ट जो है हिंट बनानी है। और एक इसमें और अलग सी चीज़ आई है कि अनुभवों के द्वारा संगठित जो भी धनात्मक या ऋणात्मक प्रतिक्रिया होती है उसे करने की संवेगात्मक प्रवृत्ति ही क्या होती है जी, अभिवृत्ति होती है। गुड की देखें तो गुड के अनुसार अभिवृत्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति या वस्तु के प्रति किसी विशेष ढंग से, किसी विशेष सघनता से प्रतिक्रिया करने की तत्परता है। तो तत्परता से बात करें तो तत्परता किसमें आ जाएगा जी, गुड में आ जाएगा। तो ये आपको छोटी छोटी हिट बनाकर आप याद रख सकते हैं। उपयुक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि यद्यपि अभिवृत्तियों की विभिन्न परिभाषाओं में काफ़ी भिन्नता दृष्टिगोचर होती है, फिर भी लगभग सभी परिभाषाएं अभिवृत्ति के संबंध में जो है एक स्पष्ट उल्लेख और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करती है। यानी किसी की भी परिभाषा उठा ले हमें समझ में आ जाता है, ठीक है। चलिए, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, अभिवृत्ति की प्रमुख जो है विशेषताएँ लिखिए। तो अभिवृत्ति की प्रमुख विशेषताएँ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। अभिवृत्ति की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। पहला, अभिवृत्ति जो है एटीट्यूड व्यक्ति के व्यवहार को सार्थक रूप से प्रभावित करता है। जैसा उसका एटीट्यूड है वैसा ही वो व्यवहार करेगा, सिंपल सी बात है। दूसरी चीज़, विभिन्न वस्तुओं या व्यक्तियों के प्रति किसी एक ही व्यक्ति की अभिवृत्ति में भी पर्याप्त अंतर हो सकता है। यानी
एक व्यक्ति दो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग एटीट्यूड दिखा सकता है। ठीक है, अगला अभिवृत्तियाँ जो है वो व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों से संबंध रखती है, व्यक्तित्व के अलग अलग पक्षों से अभिवृत्तियाँ संबंध रखती है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है ये। अभिवृत्ति के विकास में प्रत्यक्षीकरण और संवेगात्मक कारकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कैसा आपका एटीट्यूड होगा, आप किसी व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं वो आपको, जैसे मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कोई दूसरे व्यक्ति से अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है तो हो सकता है कि आपको फील हो जाए कि नहीं, अगर ये अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है यानी इसका मतलब इस बंदे में कोई ना कोई कमी है, तो आप भी उस व्यक्ति के साथ गलत व्यवहार करेंगे। यानी ये हो गया प्रत्यक्षीकरण, आपने प्रत्यक्षीकरण से सीख लिया। और संवेगात्मक कारकों, यानी हो सकता है कि आपके जो जिस तरह के संवेग उस टाइम पीरियड में हो, यानी उस परिस्थिति में उस टाइम के अंदर जो भी आपके अंदर संवेग आप उसी के अनुसार रिएक्ट करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अभिवृत्ति अनुभवों के द्वारा विकसित होती है। जो धीरे धीरे अनुभव हमें आते जाते हैं हमारा एटीट्यूड वैसा ही होता जाता है। अगर हमारी लाइफ में कुछ स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, कुछ खराब अनुभव आते हैं तो हमारा जो है उसकी उसी टाइप का हमारा एटीट्यूड हो जाता है। दूसरे शब्दों में अभिवृत्ति की प्रकृति जो है वो वातावरण जन्य होती है, यानी जैसा वातावरण होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है व्यक्ति व्यवहार करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, अभिवृत्ति सामान्य किसी व्यक्ति या समूह के प्रति भी हो सकती है या फिर विशिष्ट भी हो सकती है, यानी किसी समूह के प्रति भी हो सकती है और किसी व्यक्ति या वस्तु के प्रति भी हो सकती है। हमारा एटीट्यूड ग्रुप के साथ भी हो सकता है और वन टू वन भी हो सकता है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगला अभिवृत्ति व्यक्तिगत होती है, अर्थात किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति विभिन्न व्यक्तियों की अभिवृत्ति में पर्याप्त अंतर हो सकता है, यानी कोई एक ही वस्तु के लिए अलग अलग जो लोगों की अभिवृत्ति है वो अलग अलग हो सकती है और एक व्यक्ति की दो अलग अलग वस्तुओं के लिए भी अभिवृत्ति अलग अलग हो सकती है। चलिए अब बात करते हैं आगे, अगला जो है हमारा प्रश्न, सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सीखने को प्रभावित करने वाले आकलन की दशाएं, सीखने से संबंधित विभिन्न प्रयोगों में यह पाया गया है कि सीखने को प्रभावित करने वाली विभिन्न दशाएं या परिस्थितियां भी होती हैं जिनको नियंत्रित करने ही करके ही सीखने में उन्नति की जा सकती है। जैसा कि एमएल ने लिखा है कि अधिगम क्षमता में वृद्धि से तात्पर्य ऐसी स्थितियों के निर्माण से है जिसमें निश्चित समय में बालक की क्रियाओं में अधिगम परिवर्तन उत्पन्न हो, यानी कि अधिगम क्षमता में अगर हमें वृद्धि करनी है, यानी हम ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें कि हमारी लर्निंग ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो बालक की क्रियाओं में ऐसा अधिगम परिवर्तन हो निश्चित टाइम ऑफ पीरियड में कि उसके अंदर जो है अधिगम क्षमता उसकी बढ़ जाए। अतः हम सीखने को प्रभावित करने वाली दशाओं और परिस्थितियों को निम्न प्रकार से स्पष्ट जो है इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सहायक सामग्री का प्रयोग अभिवृत्ति विकास में किस प्रकार से सहायता करता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, किस तरह से सहायक सामग्री हेल्प करती है अभिवृत्ति विकास में। तो देखिए, सिंपल सी बात है कि हमने देखा अभिवृत्ति क्या होती है, अभिवृत्ति जो है वो उसकी विशेषता हमने पढ़ी थी कि ये प्रत्यक्षात्मक होती है। तो सिंपल सी बात है, प्रत्यक्षात्मक एवं विचारात्मक सीखने में सहायक साधनों का प्रयोग अति आवश्यक होता है। ठीक है, यानी प्रत्यक्षात्मक या विचारात्मक जो सीखना होता है उसके अंदर सहायक साधन बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सीखने में ज्ञानेंद्रियों और मानसिक शक्तियों का सही प्रयोग तभी सफल हो सकता है जब संसाधन हमारे पास क्या हो, पर्याप्त हो। इसलिए प्रत्येक विषय के शिक्षण के लिए सही सहायक सामग्री का प्रयोग अध्यापक को करना चाहिए और वैज्ञानिक विषयों में सहायक यंत्रों का प्रयोग एवं साहित्यिक विषयों में विद्वानों द्वारा रचित पांडुलिपियों का प्रयोग अवश्य होना चाहिए। बालकों को जब हम बोर्ड पर कोई चित्र बनाकर समझाते हैं तो वह अधिक महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि उसका प्रत्यक्ष जो है कोई निरीक्षण हो या फिर उसका कोई मॉडल दिखाया जाए, तो वो लाभप्रद होता है। आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रुचि का क्या अर्थ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुचि का क्या अर्थ है, मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट। साधारण शब्दों में कहा जा सकता है कि रुचि किसी वस्तु, व्यक्ति, तथ्य, प्रतिक्रिया आदि को पसंद करने या उसके प्रति आकर्षित करती है, तो स्वाभाविक रूप से कहा जाता है कि उस व्यक्ति की रुचि उस वस्तु के प्रति है, यानी अगर हम उसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं तो हमारी रुचि है, अदरवाइज नहीं है। रुचि के अर्थ के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिकों के विचार निम्न प्रकार से है। जैसे बिंगम के अनुसार रुचि किसी अनुभव में सम्मिलित होने या इसमें संलग्न रहने की प्रवृत्ति है। अगर उसमें संलग्न रहते हैं इसका मतलब हमें उसके प्रति इंटरेस्ट है, जबकि विरक्ति उससे दूर हो जाने की प्रवृत्ति है। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आंकड़ों के व्यवस्थापन को समझाइए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान के उपरांत जो आंकड़े प्राप्त किए जाते हैं वे आंकड़े बहुत बड़े तथा अव्यवस्थित होते हैं। इन आंकड़ों को निम्न प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। पहला तो साधारण व्यवस्था के द्वारा कर दो, या फिर आवर्ती व्यवस्था के द्वारा। साधारण व्यवस्था तो यानी जैसे जैसे आते जाने उनको सेट करते जाओ। आवर्ती यानी जैसे जैसे आए उनको आवर्ती लगा दो कि कितना आंकड़ा कौन कितनी बार रिपीट हुआ, या फिर आवर्ती वितरण के द्वारा। तो ये तीन तरीके होते हैं। इन सभी प्रकारों के द्वारा एक निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत आंकड़ों का व्यवस्थापन किया जाता है और विश्लेषण द्वारा उपयुक्त बहुत सारे जो है निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगे देखिएगा प्रश्न 12वां, तथ्य और आंकड़ों के व्यवस्थापन की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो विशेषताएं हमें लिखनी है, मेरिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, यानी कि हम उनका ऑर्गेनाइजेशन क्यों करते हैं। तो देखिए, मापन के आधार पर प्राप्त किए गए आंकड़े अव्यवस्थित होते हैं। जैसे ही हम मापन करते हैं बच्चों का, तो जो भी हमें आंकड़े मिलते हैं तो वो अव्यवस्थित होते हैं, तथा इन अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुत ज़्यादा हमें लाभ नहीं मिल पाता। परंतु यदि यही अव्यवस्थित आंकड़े वर्गीकरण द्वारा या आवर्ती वितरण द्वारा व्यवस्थित कर लिए जाते हैं तो ये बहुत लाभकारी सिद्ध होते हैं। और इसके निम्न लाभ हैं। सबसे पहले तो व्यवस्थापन के माध्यम से आंकड़े बहुत संक्षिप्त रूप में होते हैं, यानी कि अगर वैसे तो देखो बहुत सारे आंकड़े मिक्सअप हो जाएंगे, लेकिन अगर वो उनका व्यवस्थापन कर लिया जाए तो संक्षिप्त रूप से यानी कि बहुत ही शॉर्ट रूप में हमें एक जानकारी हमारे सामने आ जाती है, ठीक है, सटीक विश्लेषण उसका हो जाता है। व्यवस्थापन के उपरांत आंकड़ों को बहुत सरलता से समझा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, रेखाचित्रण की कुछ विशेषताएँ इसे अन्य माध्यमों से अलग स्थान प्रदान करती है, इनकी कुछ विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, प्रत्येक रेखाचित्र की कुछ सामान्य विशेषताएं होती है जिन्हें रेखाचित्र बनाते समय किसी अध्ययनकर्ता को ध्यान में रखना अनिवार्य होता है। ये विशेषताएं क्या है? एक तो ये विशेषता है कि जो एक्स अक्ष होता है, भुजा एक्स, ये स्वतंत्र चर को दर्शाना चाहिए। स्वतंत्र चर यानी कि जो चेंजेबल होता है, ठीक है, और जो उद्दग्र भुजा यानी कि जो वाई एक्स होता है उस पर स्वतंत्र चर होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा है कि जो एक्स अक्ष है उस पर हमें स्वतंत्र चर को दर्शाना चाहिए और वाई अक्ष पर स्वतंत्र, नहीं ये उल्टा हो गया, यहाँ पर एक्स अक्ष पर हमें अस्वतंत्र और वाई अक्ष पर हमें स्वतंत्र चर को दर्शाना चाहिए। रेखाचित्र में एक्स अक्ष को हमेशा वाई अक्ष से बड़ा होना चाहिए। रेखाचित्र का नामांकन अवश्य होना चाहिए। रेखाचित्र की माप यथार्थ होनी चाहिए और रेखाचित्र आकर्षक भी लगना चाहिए। आगे देखिएगा, वृत्त आरेख को स्पष्ट कीजिए। सर्कल ऑफ प्री डायग्राम, वृत्त आरेख, जब प्राप्त आंकड़ों को वृत्त की सहायता से दिखाया जाता है तो इस प्रकार बने ग्राफ को वृत्त आरेख कहते हैं। इस टाइप से दिखाया जाए, मान लो कितने परसेंट, इस तरह से आपने डिवाइडेशन देखा होगा, ठीक है, तो इस तरह से दिखाया जाता है। इसमें क्या होता है, प्रत्येक वृत्त का एक केंद्र होता है जिसे केंद्र बिंदु कहते हैं, और ठीक उसी प्रकार के से इस वृत्त आरेख के मध्य में बने बिंदु को वृत्त आरेख का केंद्र बिंदु कहते हैं। प्रत्येक वृत्त के केंद्र पर 360 डिग्री का कोण होता है, अतः वृत्त आरेख का केंद्र कोणों से तैयार होता है। अतः इस प्रकार से वृत्त आरेख कोणीय आरेख का पैमाना है, और यदि किसी प्रश्न में परिणाम प्रतिशत में दिखाए गए हैं तो उनको अंशों में बदलना भी सरल होता है। वृत्त आरेख की उपयोगिता क्या है, यूटिलिटी ऑफ पाई डायग्राम। तो पाई डायग्राम किस तरह से यूज होता है, तो देखिए वृत्त आरेख की निम्नलिखित उपयोगिताएं हैं। वृत्त आरेख द्वारा हम उन्हीं आंकड़ों को प्रदर्शित कर सकते हैं जिन आंकड़ों का मान प्रतिशत या अंशों में दिया हुआ होता है। वृत्त आरेख में हम उन्हीं आंकड़ों का यूज कर सकते हैं, या तो उनका अंश जो मान जो है प्रतिशत में होना चाहिए, या फिर टुकड़ों में, अंशों में, यानी 100 जैसे मान लो कितना प्रतिशत है, यानी 2/3 है, 1/4 है, कितना अंश है, ठीक है, कितना टुकड़ा है, कितना भाग है। जब हमें सामान्य आंकड़ों की तुलना करनी होती है तब हम वृत्त आरेख का उपयोग उचित समझते हैं। सामान्य आंकड़ों में हम इसका यूज़ करते हैं, और वृत्त आरेख का उपयोग एक ही चर के विभिन्न आयामों को प्रदर्शित करने के लिए होता है। सिंगल वेरिएबल होना चाहिए, डबल वेरिएबल हो तो ये काम नहीं आता है। ये बहुत ही ध्यान में रखने वाली बात है। अगला प्रश्न देखिए, व्यापक आंकलन की दृष्टि से विद्यार्थियों के किस पक्ष की तरफ ध्यान दिया जाता है। देखिए, व्यापक आंकलन जो होता है, व्यापक आंकलन से तात्पर्य है ऐसा आंकलन जो छात्रों के विद्यालय पर आधारित मूल्यांकन तथा उनके परिणाम पर आंकलन करके उनके सीखने की संभावना के बारे में सोचता है, ये व्यापक आंकलन है, जिसमें कि बालक के विद्यालय में व्यवहार, आचरण और विकास का आंकलन कर इसके अलावा उनके पास होने की संभावना का आंकलन करके और उन्हें दूसरे छात्रों के आंकलन करें और उन्हें मतलब दूसरे छात्रों का कंपैरेटिव आंकलन करें तो इस आंकलन को भी व्यापक आंकलन कहा जाता है। यह आंकलन बच्चों के अपने लक्ष्य के प्रति इच्छा के पक्ष के बारे में बताता है, उनके विजय होने की कितनी संभावना ये इच्छा है ये भी इससे पता चलता है। ग्रेडिंग का क्या महत्व है अगर हम ये देखना चाहें तो ग्रेडिंग देखिए, ग्रेडिंग ग्रेड प्रणाली द्वारा विभिन्न विद्यार्थियों का मूल्यांकन आसानी से किया जा सकता है। ग्रेड प्रणाली के द्वारा विद्यार्थियों की आपस में तुलना आसानी से की जा सकती है। ग्रेड प्रणाली के द्वारा विषयगत कठिनाइयों का स्तर समाप्त हो जाता है और ग्रेड प्रणाली व्यक्तिनिष्ठ होती है।
ठीक है। तो ग्रेड प्रणाली की बहुत सारी विशेषताएं हैं। ग्रेड की सहायता से छात्रों का मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय ढंग से हो सकता है। अतः ग्रेड प्रणाली का प्रयोग परीक्षा परिणामों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है और ग्रेड प्रणाली विभिन्न विषयों या संकायों से छात्रों की शैक्षिक उपलब्धि की तुलना करने के लिए एक उभयनिष्ठ पैमाने यानी कॉमन स्केल का कार्य सफलतापूर्वक करती है। तो देखिए ये तो थे हमारे अति लघुतरात्मक। अब आ जाते हैं लघुतरात्मक प्रश्नों पर। तो देखिए इसके अंदर ये जो पीडीएफ मैंने बनाई हुई है ये 3 यूनिट्स की है और 3 यूनिट्स अगर आप करके चले जाते हैं तो आपका मैक्सिमम काम पूरा हो जाता है। यहाँ पर हम फिलहाल जो है चौथी यूनिट की बात कर रहे हैं, चौथी यूनिट हमारी चल रही है। तो चलिए बात करते हैं रुचियों का मापन किन किन विधियों द्वारा किया जाता है। रुचियों का मापन देखिए, तो रुचियों का मापन ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत सारी विधि है, जैसे अभिव्यक्त रुचियाँ। देखिए पहले तो रुचियों को भी कुछ भागों में बांटा जाता है, जैसे अभिव्यक्त रुचियां, प्रदर्शित रुचियां, आंकलित रुचियां और सूचित रुचियां। इनमें से प्रथम 3 प्रकार की रुचियों की जानकारी तो अवलोकन, साक्षात्कार, व्यक्ति के द्वारा लिखित बातों, चेकलिस्ट, प्रश्नावली या संप्राप्ति परीक्षणों जैसे उपकरणों को किन्हीं अन्य उद्देश्यों के लिए बनाए गए होते हैं, जो इनके प्रयोग से पर्याप्त परिणामों की व्याख्या करके अप्रत्यक्ष रूप से हम इनको जान सकते हैं। लेकिन चतुर्थ प्रकार की जो रुचि है यानी कि जो सूचित रुचियाँ हैं उसका मापन जो है वो विशेष प्रकार से तैयार किए गए परमापीकृत रुचियों के द्वारा किया जाता है। स्पष्ट है कि सुपर के द्वारा बताए गए, सुपर ने जो रुचियां बताई है ये 4 प्रकार वास्तव में रुचियों को किन्हीं 4 भागों में नहीं बांटते, वरने किसी व्यक्ति की रुचियों को 4 विभिन्न विधियों से पहचाने और मापने पर प्राप्त रुचियों को इंगित करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि रुचियों के ये 4 प्रकार वास्तव में रुचियों को मापने की 4 विधियों को इंगित करते हैं। तो यही रुचियों को मापने की 4 विधियाँ हैं जो इनके प्रकार हैं। आगे देखिए अभिव्यक्त रुचियों को समझाइए। अभिव्यक्त रुचियाँ वे हैं जिन्हें व्यक्ति की स्वयं उल्लिखित क्रियाओं और कार्यों या जो है कार्यों या यहाँ पर कुछ वर्ड है मिसिंग है चले के बाद नहीं, इसके आधार पर जाना जाता है। अभिव्यक्त रुचियों को व्यक्ति से प्रत्यक्ष प्रश्न पूछकर ज्ञात किया जा सकता है या फिर व्यक्ति से पूछा जाता है कि वह क्या अमुक क्रिया वस्तु या व्यक्ति को पसंद करता है अथवा नहीं। व्यक्ति के द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों पर दिए गए उत्तरों से उस व्यक्ति की रुचियां और अभिव्यक्ति हो जाती है। दूसरे शब्दों में अभिव्यक्त रुचियां वे हैं जो व्यक्ति स्वयं मौखिक अथवा अभिव्यक्त यानी वो जो रिप्रेजेंट करता है ये उससे पूछ के देख लो या उससे डायरेक्टली रिएक्ट करवाओ कि वो उसे पसंद करता है या नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं। तो जो व्यक्ति स्वयं मौखिक अथवा शाब्दिक रूप से अपने में होने का दावा करता है वही उसकी अभिव्यक्त रुचियां होती हैं। अभिव्यक्त रुचियां प्राय अविश्वसनीय होती है क्योंकि हो सकता है इम्प्रेस करने के लिए वो अपनी रुचियां कुछ इस टाइप से दिखाए जैसे उसकी रुचियां है या नहीं है, तो ये अविश्वसनीय होती है। कई बार छिपा कर या गलत उत्तर भी दे सकता है, ठीक है। तो इसकी विश्वसनीयता में संदिग्ध जो है होते हैं हम, और व्यक्ति के अनुभवों, पृष्ठभूमि और सामाजिक वांछनीयता के कारण व्यक्ति बहुधा अपनी वास्तविक पसंद और इन सभी को छिपाने के व्यवहारों और कार्यों को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त नहीं करना चाहता। सिंपली ऐसा भी हमारा ये फैक्टर देखने को मिलता है। प्रदर्शित रुचियाँ क्या होती हैं। प्रदर्शित रुचियाँ वे होती हैं जिन्हें व्यक्ति की जो विभिन्न क्रियाएँ हैं उनको मतलब इससे जिन्हें व्यक्ति प्रदर्शित रुचियां वे हैं चलिए यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है प्रदर्शित रुचियां वे होती हैं आगे देखते हैं। स्पष्ट है कि इस प्रकार की रुचियों का व्यक्ति के व्यवहार के अवलोकन से होता है। इस प्रकार की रुचियों का संबंध जो है वो व्यक्ति के व्यवहार के अवलोकन से होता है, यानी अवलोकन करके हम देख सकते हैं कि ये किस तरह की जो है इसमें इंटरेस्ट है। कोई व्यक्ति टीवी कार्यक्रम प्रतिदिन देखता है, कोई व्यक्ति नित्य क्रिकेट खेलता है, कोई प्रतिदिन संगीत का आनंद लेता है, तो वो बताएगा नहीं कि आपको मेरा इसमें इंटरेस्ट है, बल्कि हमें अवलोकन करने से ही पता चल जाता है। तो ये होती है प्रदर्शित रुचियाँ यानी जो वो प्रदर्शित करेगा। प्रदर्शित रुचियाँ प्राय अस्थायी प्रकृति की होती हैं। हो सकता है कि कुछ टाइम के लिए वो कर रहा हो हमें लगे लेकिन वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता हो, किसी न किसी दबाव से किसी इन्फ्लुएंस में आकर कुछ टाइम के लिए वो परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। तो बेसिकली इनके पीछे कोई ना कोई प्रेरक होता है और प्रेरक जैसे ही हट जाएगा वैसे ये उनकी रुचियाँ बदल जाएंगी, ठीक है। तो ये सिंपल सा आप इनमें कोई एग्जांपल भी दे सकते हैं कि वो जब उसका मित्र आया था तो वो क्रिकेट खेलता था लेकिन कुछ समय के बाद उसकी मित्रता दूसरे फ्रेंड से हो गई जो कि संगीत का शौकीन था, तो अब उसने जो है क्रिकेट खेलना छोड़कर कैसे बजाना सीख गया। तो ये सब चीज़ें होती हैं जो चेंजेबल होती हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न करते हैं सूचित रुचियाँ कौन कौन सी होती है। इन्वेंटरीड इंटरेस्ट क्या होते हैं। तो सूचित रुचियाँ वे रुचियाँ हैं जिन्हें परमापीकृत रुचि सूचियों की सहायता से मापा जाता है। परमापीकृत रुचि सूचियों में प्राय क्रियाओं की एक सावधानीपूर्वक तैयार की गई सूची होती है तथा व्यक्ति को या तो इन क्रियाओं के संबंध में अपनी तुलनात्मक पसंद को इंगित करना होता है
पसंद की सहायता से उसकी रुचियों को जाना जाता है। व्यक्ति के द्वारा विभिन्न क्रियाओं के संबंध में बताई गई पसंद, नापसंद अथवा तुलनात्मक पसंद की सहायता से रुचियों और उनकी मात्राओं को भी मापा जाता है। तो ये होती है सूचित रुचियाँ। ठीक है जी, आगे देखिएगा। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 की प्रमुख बातों का उल्लेख कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी ये। 2005 जो हमारा NCF था, ठीक है, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क, उसके अंदर राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 की रिपोर्ट इन अध्यायों में विभाजित किया गया। इसको 5 अध्यायों में विभाजित किया गया है। पहला अध्याय राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप 2005 की प्रस्तावना, पहला क्या है, प्रस्तावना। दूसरा अधिगम और ज्ञान। तीसरा है पाठ्यक्रम क्षेत्र, विद्यालय स्तर और मूल्यांकन। तो मूल्यांकन किस में आता है जी, तीसरे में आता है। चौथा है विद्यालय और कक्षा कक्ष वातावरण। और पांचवा है जी व्यवस्थित सुधार। अगले जो हमारा पहला है अपना जो प्रस्तावना भाग में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप प्रतिवेदन में यह बताने का जोर दिया गया है कि अधिगम बालकों अथवा उनके माता पिता पर एक बड़ा बोझ या तनाव का कारण बन गया है। यह बात अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि शिक्षा के उद्देश्य और गुणवत्ता अपने मार्ग से विचलित हो गई है। इस हालात से उभरने के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रारूप में पाठ्यक्रम विकास हेतु निम्न 5 निर्देशक प्रनियमों सिद्धांतों की अनुमालना का सुझाव दिया गया है। विद्यालय के बाहर की जिंदगी से ज्ञात को संबंधित करना, सुनिश्चित करना कि अधिगम रटने वाले तरीकों से न किया गया हो, पाठ्यक्रम को इस तरह समृद्ध करना, सिलेबस इतना मतलब हमारा समृद्ध होना चाहिए कि यह पाठ्य पुस्तकों तक ही सीमित न रह जाए, परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और उन्हें कक्षा कक्ष की गतिविधियों के साथ समावेशित करना, एक ऐसी अधिभावी पहचान का विकास जिससे प्रजातांत्रिक राजव्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएँ समाहित हों। तो चलिए अब आगे बात करते हैं। आंकलित रुचियों को समझाइए। इनफ्रेड आंकलित रुचियां क्या होती हैं? आंकलित रुचियां वे रुचियां होती हैं जिन्हें विभिन्न संप्राप्ति परीक्षणों पर व्यक्ति के द्वारा अर्जित अंकों की सहायता से आंकलित किया जाता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारे परीक्षण होंगे, उसमें जितने अंक आएंगे उसके अकॉर्डिंग उसकी रुचि का पता चल जाएगा। तो ये माना जाता है, यानी आंकलन किया जाता है कोई अलग अलग टेस्ट के माध्यम से। ठीक है, ये माना जाता है कि व्यक्ति या बालक जिन विषयों में अधिक अंक प्राप्त करता है उन विषयों में उसकी अधिक रुचि होती है, और जिन विषयों में कम अंक प्राप्त करता है उनमें उसकी कम रुचि होती है। जैसे लता यदि चित्रकला में 80% अंक और गणित में 40% अंक प्राप्त करती है, तो हम सिंपली माफ कीजिएगा ओके तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि लता की जो रुचि है वो चित्रकला में है तथा गणित में उसकी रुचि कम है। तो इसी प्रकार से कोई और भी एग्जांपल ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्राथमिक स्तर के बालकों की पाठ्यचर्या में संशोधन हेतु सुझाव दीजिए कि प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए पाठ्यचर्या में किस तरह के संशोधन होने चाहिए। तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा की पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकों में कोई भी सुधार प्रारंभिक बाल्यावस्था संबंधी देखभाल और शिक्षा के सिद्धांतों की अनुपालना के आधार पर ही करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ज्ञान की रचना बालक के द्वारा स्वयं की जानी चाहिए। ज्ञान की रचना बालक स्वयं करे, उस दृष्टि से पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तकें इस प्रकार की होनी चाहिए जिसमें अध्यापक का कक्षा अधिगम अनुभवों को बालक की प्रगति और उसके परिवेश के साथ जोड़ने में मदद मिले और इस प्रकार विद्यालय के ज्ञान के सृजन की जो सुविधाएँ हैं वो सुलभ हो जाएँ। शिक्षण का उद्देश्य बालक के स्वाभाविक इच्छाओं और सीखने संबंधी व्यू रचनाओं तकनीकों में समृद्धि करना होना चाहिए। ज्ञान को मात्र सूचना से अलग देख जाना चाहिए और शिक्षण को एक व्यावसायिक गतिविधियों के रूप में लिया जाना चाहिए, न कि रटने और तथ्यों का स्थानांतरण करने में सहायक किसी कोचिंग के रूप में। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्वयं मूल्यांकन को प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जा सकता है, एक शिक्षक एवं विद्यालय की भूमिका को स्पष्ट करते हुए समझाइए। तो स्वयं मूल्यांकन को प्रभावशाली बनाने में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। तो स्वयं मूल्यांकन का सर्वोत्तम और प्रभावशाली और वर्तमान समय की मांग के अनुरूप बनाए जाने में शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिक्षक द्वारा करके सीखने की विधि को प्रभावशाली बनाने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जाते हैं। सबसे पहले तो उचित साधनों की व्यवस्था की जाए। विद्यालय में करके सीखने के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे विज्ञान विषय के अधिगम में प्रयोगों को संपन्न करने के लिए विविध प्रकार के उपकरणों की व्यवस्था होनी चाहिए। प्रयोगशाला में प्रयोग संबंधी उपकरणों के अतिरिक्त जो है इसके लिए कला के लिए रंग, चार्ट पेपर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, और मैदान की व्यवस्था खेल के लिए होनी चाहिए। तो प्रत्येक स्थिति में जो छात्र है वो गतिशील रहे, ऐसी व्यवस्था उसमें होनी चाहिए। छात्र की रुचि के अनुकूल भी व्यवस्था होनी चाहिए। छात्र की रुचि के अनुकूल व्यवस्था करने पर ही छात्र उन क्रियाओं में रुचि लेगा और उनमें कुछ सीखने का प्रयास करेगा। तो इस आधार पर प्रत्येक शिक्षण और विद्यालय का यह दायित्व होता है कि वे अपने छात्रों की रुचियों को ज्ञात करते हुए, यानी उन्हें जानते हुए, और उनको अधिक से अधिक समय जो है रुचिपूर्ण क्रियाओं में व्यतीत करने दे। अगला प्रश्न देखिए, पाठ्यक्रम सुधारने और रोचक बनाने हेतु आवश्यक बातों का उल्लेख कीजिए। तो सबसे पहले तो छात्रों पर नियंत्रण का अभाव, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि प्राथमिक स्तर पर छात्र बहुत ही कोमल स्वभाव का होता है और माध्यमिक स्तर पर बालक में बौद्धिकता का विकास तीव्र गति से होता है। अतः विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को धीरे धीरे अधिगम से जोड़ने का प्रयास किया जाना चाहिए। नियंत्रण के अभाव में ही बालक अपनी रुचि संबंधित क्रियाओं को प्रदर्शित करेगा, यानी ऐसे नहीं पूरा कंट्रोल नहीं होना चाहिए बल्कि उनको कुछ कुछ फ्री छोड़ा जाए। नियंत्रण का अभाव हमें क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, नियंत्रण में कमी करनी चाहिए ताकि वो अपने मनोयोग का प्रदर्शन कर सके। उचित पर्यवेक्षण की प्रति व्यवस्था, देखिए अगर हम उन्हें फ्री छोड़ेंगे, नियंत्रण का अभाव करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि हमें उन्हें इग्नोर कर देना, उन्हें छोड़ देना है, नहीं, पर्यवेक्षण उचित होना चाहिए, यानी कि उचित ट्रेनिंग होनी चाहिए, उचित पर्यवेक्षण होना चाहिए। उचित पर्यवेक्षण की व्यवस्था के अंतर्गत शिक्षक बालक के प्रत्येक कार्य को देखना चाहिए, यानी अपनी नज़र में रखे और आवश्यकता के अनुसार उसको मार्गदर्शन करता रहना चाहिए। जैसे बालक चार्ट बनाते समय एक दूसरे पर रंगों का प्रयोग करता है या एक दूसरे के चार्ट को खराब करने का प्रयास करते हैं, तो शिक्षक उन्हें रोक कर सही दिशा निर्देश प्रदान करना चाहिए ताकि प्रयोगशाला में बालक के कार्यों का जो है सिंपल सी बात है कि इसका पर्यवेक्षण करना परम आवश्यक है, वरना तो बच्चे शरारती भी होते हैं, शरारती भी बहुत करेंगे, वो सिंपल सी बात है। अगला प्रश्न देखिए, विद्यालय पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों या विषयों के संबंध में प्रतिपादित विचार एवं सिफारिशों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए विद्यालय पाठ्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों विषयों के संबंध में इस प्रतिवेदन में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सुझाव देते हुए कहा गया है कि शिक्षा को आज की और भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिक प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए और बच्चों को उस दबाव से मुक्ति दिलाने का प्रयत्न करना चाहिए जिसे आज वे झेल रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम प्रतिवेदन दस्तावेज यह सिफारिश करता है कि विषयों के बीच की दीवारें नीचे की जाएं ताकि बच्चों को ज्ञान का समूचा और समग्र आनंद मिल सके और वे किसी चीज़ को समझ रखने संबंधी खुशी का एहसास कर सके। इनके साथ यह भी सुझाया गया है इसके साथ कि पाठ्यपुस्तक और दूसरी तरह की सामग्री की बहुलता हो जिनमें स्थानीय ज्ञान और पारस्परिक कौशल शामिल हो सकते हैं और बच्चों को सामुदायिक परिवेश से जीवन संबंध बनाने वाले स्फूर्तिदायक विद्यालय माहौल को सुनिश्चित किया जा सके। अगला प्रश्न देखिए, स्तंभ आरेख का आंकड़ा विश्लेषण में क्या उपयोग है, स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख गुण और दोषों की विवेचना कीजिए। तो देखिए ये प्रश्न जब आप निबंधात्मक प्रश्न में करेंगे तो वहाँ पर भी बार बार आपके सभी डायग्राम्स, उनके मेरिट्स, उनके डीमेरिट्स, उनके यूजेस सब आएंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले स्तंभ आरेख बार डायग्राम जो होता है उसका उपयोग क्या है, उसके गुण क्या हैं और उसके दोष क्या हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। यदि आंकड़ों की तुलना सरलता से करनी हो तो स्तंभ आरेख लाभकारी होता है। एक ही दृष्टि में रखकर यदि हम आंकड़ों की व्यवस्था करनी हो तो स्तंभ आरेख उपयोगी होता है। स्तंभ आरेख का उपयोग आंकड़ों को वर्गीकृत करने में और प्रदर्शित करने में किया जाता है। मेरिट क्या होता है, गुण क्या है इसके, कि स्तंभ आरेख की सहायता से सभी आंकड़ों का ज्ञान एक ही दृष्टि में हो जाता है, वेरी गुड। दूसरा, इस आरेख की सहायता से आंकड़ों के बीच तुलना भी आसानी से हो जाती है, बहुत बढ़िया। स्तंभ आरेख में हम वर्गांतरों को हटाकर दिखा सकते हैं और फिर अलग अलग भी दिखा सकते हैं, वर्गांतरों को अलग अलग भी दिखा सकते हैं और हटाकर भी, तो इसमें वर्गांतरों का कोई बंधन नहीं होता है। लेकिन अब इसके दोष क्या है, तो इसके दोष ये हैं कि यदि प्राप्त आंकड़ों की संख्या बहुत अधिक हो तो इन आंकड़ों को प्रदर्शित करना हो तो स्तंभ आरेख उपयोगी नहीं है, क्योंकि स्तंभ कितने के बनाएंगे। लेकिन स्तंभ आरेख के द्वारा केवल साधारण तुलना ही की जा सकती है, यदि हमें स्पष्ट और पूर्ण तुलना करनी हो तो यह आरेख उपयुक्त नहीं होता है। चलिए आवर्ती स्तंभाकृति को समझाइए, फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम क्या होता है। तो फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम, यदि आंकड़े आवृत्ति के रूप में व्यवस्थित हो, यानी कौन सा आंकड़ा कितनी बार रिपीट हो रहा है, अगर ऐसा दिखाया जाए तो उसे हम आवृत्ति स्तंभाकृति कहते हैं। आवृत्ति स्तंभाकृति बनाने के लिए एक्स अक्ष पर वर्गांतरों को दर्शाया जाता है और वाई अक्ष पर उनकी आवृत्तियों को निरूपित किया जाता है। जैसे मान लो ये है कि यहाँ पर मान लिए कोई भी वर्गांतर है कि 5 से 10 साल के बच्चे कितने हैं जी, तो वहाँ पर हम दिखा देंगे कि 10 बच्चे हैं, 10 से 20 साल के बच्चे कितने हैं इस तरह से, या 10 से 15 साल के बच्चे कितने हैं, तो यहाँ पर हम दिखा देंगे जी 20 बच्चे हैं। तो यहाँ पर तो हमारा वर्ग अंतराल होगा एक्स अक्ष पर, यहाँ पर आवृत्ति होगी कि कितने कितने बच्चे हैं, ठीक है। इस तरह से वर्गांतरों और आवृत्तियों के द्वारा वर्गांतरों और आवृत्तियों के लिए पैमाना मानते समय थोड़ा ध्यान रखा जाना आवश्यक होता है। खैर, तो यहाँ पर किसी भी तरह का एग्जाम्पल लिया जा सकता है। इनका जो है स्तंभाकृति इस तरह से बनाई गई है, वर्ग और आवृत्ति दिखाई गई है, ठीक है जी। आगे देखिए, आवृत्ति स्तंभाकृति की समीक्षा कीजिए कि उनकी विशेषताएं, गुण और सीमाएं ये सब हमें बतानी है। तो विशेषताएं और गुण क्या हैं, कि आवृत्ति स्तंभाकृति वक्र केवल उन्हीं आंकड़ों के लिए प्रदर्शित किया जाता है जो आंकड़े आवृत्तियों के रूप में दिए गए होते हैं। यदि दिए गए वर्ग अंतराल को आलेख द्वारा दर्शाना हो तो ऐसी परिस्थिति में आवृत्ति स्तंभाकृति का उपयोग हितकारी होता है। आवृत्ति स्तंभाकृति आरेख का उपयोग केवल एक ही प्रकार की आवृत्ति वितरण में किया जा सकता है, दूसरे प्रकार की आवृत्ति में आंकड़े डेफिनेट सी बात है कि चेंज हो जाएंगे, तो उसका यूज़ नहीं किया जा सकता। सीमाओं की बात करें
तो आवर्ती स्तंभाकृति आरेख द्वारा उच्च संख्यक की जो व्याख्या है वो नहीं की जा सकती हैं, केवल और केवल सतत चरों के वितरणों के द्वारा ही आवर्ती स्तंभाकृति को प्रदर्शित किया जा सकता है, अन्य को नहीं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। आंकड़े जो है वो तथ्य नहीं, असंगठित संसाधन होते हैं, यानी कि फैक्ट्स तो बाद में निकलते हैं जब हम आंकड़ों को जो है सही तरीके से जमा लेते हैं, उनको जो उनको व्यवस्थित कर लेते हैं, तब हमें जो है फैक्ट्स और जो भी हम तर्क जो है वो निकल करके आते हैं। आंकड़े जो है वो तो एक बार सीधा इकट्ठे किए गए होते हैं, यानी वस्तु सिर्फ संसाधन है, वो भी असंगठित। ठीक है, तो चलिए इसको स्पष्ट करना है। आंकड़ों को सूचना, तथ्य या तर्क नहीं कहा जा सकता, ये तो असंगठित संसाधन कहलाते हैं जिन्हें एकत्र करने के बाद सूचना बनाई जाती है और फिर प्रसारित की जाती है। और सांख्यिकी गणनाओं का विश्लेषण करने के लिए हमें आंकड़ों की आवश्यकता होती है, इसके लिए सबसे पहले हमें आंकड़ों को संकलित करना होता है, इसके पश्चात संकलित किए गए आंकड़ों को अनुसूची में लिखना होता है, और इन आंकड़ों को अध्ययनरत समस्या की महत्वपूर्ण विशेषताओं की जानकारी नहीं मिलती है, तो इस प्रकार के अर्जित किए गए आंकड़े प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं होते हैं। उपयोग करने के लिए इन आंकड़ों को व्यवस्थित करना और क्रमबद्ध किया जाता है, और मापन के आधार पर अर्जित आंकड़ों को एक विशेष क्रम में लगाने की प्रक्रिया ही आंकड़ों का व्यवस्थापन कहलाती है। प्राथमिक आंकड़े और द्वितीयक आंकड़े क्षेत्र में विषय सामग्री को समझाइए। प्राथमिक आंकड़े वो होते हैं जी जो सीधा लिए जाते हैं। ठीक है, प्राथमिक आंकड़े वे होते हैं जो किसी घटना के प्राथमिक स्तर पर, यानी जो खुद जाकर के कलेक्ट किए जाते हैं, लेकिन अगर किसी के कलेक्ट हुए आंकड़ों को अगर हम यूज़ करें, अगर द्वितीय आंकड़े जो है वो द्वितीयक स्रोत पर आधारित होते हैं, यानी लिए किसी और ने लेकिन हम उसे आंकड़े को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये होते हैं जी सेकेंडरी डाटा। आगे एक प्रश्न है हमारा, सीखने की निगरानी से आप क्या समझते हैं? तो निगरानी से सिंपल सी बात है कि एक प्रभावी शिक्षक अधिकांश समय अपने छात्रों की निगरानी करते हैं। सामान्य तौर पर अधिकांश शिक्षक अपने छात्रों के काम की निगरानी उनके द्वारा कक्षा में किए जाने कार्यों को सुनकर देखकर करते हैं। छात्रों की प्रगति की निगरानी करना महत्वपूर्ण है और इससे निम्न प्रकार से मदद मिलती है कि एक तो अधिक अच्छी ग्रेड प्राप्त करेगा, अपने कार्य प्रदर्शन के बारे में अधिक सजग रहना, अपनी सीखने की प्रक्रिया में अधिक जिम्मेदार रहना, अपने सीखने की प्रक्रिया में सुधार करना, प्रादेशिक और स्थानीय मानकीकृत परीक्षा में उपलब्धि का पूर्वानुमान करना, कब प्रश्न पूछें और प्रोत्साहन करें, कब प्रशंसा करें, तो इन सब कामों में जो है सीखने की निगरानी अगर करेगा, कब चुनौती दें कब नहीं, तो ये सब चीज़ें करने से जो है एक शिक्षक को जो है मदद मिलती है। तो इस तरह से हमारे जो है प्रश्न कंप्लीट होते हैं लघु उत्तरात्मक, और इस तरह से आप कर सकते हैं। और निबंधात्मक प्रश्न हम जो है नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप निबंधात्मक प्रश्न की एकमात्र वीडियो अगर आप देख जाते हैं तो आप लघु उत्तरात्मक और अति लघु उत्तरात्मक आपके प्रश्न डेफिनेट सी बात ही उसमें कवर हो जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आप जो है इसी के बाद हमारी नेक्स्ट वीडियो उसमें निबंधात्मक प्रश्न पढ़ेंगे, तो आपको पूरा यूनिट के बारे में क्लियरेंस हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।